भगोड़े कारोबारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि आप दुनिया भर में कई लोगों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। यहाँ वो पैसे वापस करने की पेशकश कर रहा है, इसलिए कुछ आपराधिक कार्यवाहियों पर रोक लगाई जा सकती है और उन्हें वापस आने की अनुमति दी जा सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि कानूनी कार्यवाही में कई वर्ष लगेंगे और एजेंसियां भगोड़े व्यवसायियों को वापस लाने के अपने प्रयास में सफल हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसे में अगर भगोड़े कारोबारी पैसे लुटाने पर सहमत हैं, तो सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। इस पर भी विचार किया जा सकता है कि देश वापसी पर उनकी गिरफ्तारी ना हो। ये सुझाव हेमंत एस हाथी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो स्टर्लिंग समूह के प्रमोटरों के साथ बैंक ऋण के माध्यम से कथित तौर पर 14,500 करोड़ रुपए की हेरा फेरी करने के आरोप में वांछित हैं। सभी आरोपी भारत से भाग गए हैं और विदेश में रह रहे हैं। उनके अलावा भगोड़े कारोबारियों में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे कुछ और लोग भी हैं, जो हजारों करोड़ का घोटाला या हेराफेरी करके कानून के शिकंजे से बचने के लिए भारत से भाग गए हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी भारतीय एजेंसियां उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है। हेमंत हाथी ने पैसे वापस करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वापस आने पर एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाए जाने और परेशान किए जाने से सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी कुल बकाया राशि 1,500 करोड़ रुपए से कुछ अधिक है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए बैंकों को चुका दिए गए हैं और 900 करोड़ रुपए की बकाया राशि वापस करने का आश्वासन दिया है। पीठ ने ये भी समर्थन किया कि राशि सरकार द्वारा स्वीकार की जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, अगर भगोड़े कारोबारी पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार है तो क्यों ना उन्हें भारत लौटने देने और उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाहियों को रोकने पर विचार किया जाए। सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर वो लौटते हैं तो वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने हाथी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को आगे न बढ़ाने को लेकर आपत्ति व्यक्त की। अगर भगोड़ा आर्थिक अपराधी वापस आता है और पैसे वापस करता है तो उसे 3 मोर्चों पर राहत देने पर विचार किया जाए। उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए। उसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और आपराधिक मामले में उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।